लाइफस्टाइल फर्नीचर का धमाकेदार ऑफर 65% धमाकेदार डिस्काउंट वाले ऑफर के साथ नए दौर के बेमिसाल डिजाइन की भरमार। लाइफस्टाइल फर्नीचर चांदनी फंक्शन हॉल अंबेडकर स्टेडियम बीजापुर 18 जुलाई से 31 जुलाई तक। जल्दी करें, ये ऑफर लिमिटेड है। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में, मैं हूं आबिद हुसैन शेख। पॉजिटिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। जमात इस्लामी हिंद में प्रोग्राम जमात इस्लामी हिंद शाख बीजापुर में इलेक्शन के बाद हमारी जिम्मेदारियों के टॉपिक पर बात करते हुए जमात इस्लामी हिंद के दिल्ली के नायब अमीर प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर चीफ गेस्ट मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए, ये कौम हमेशा हालात से लड़ती आई है, कभी भी किसी कीमत पर किसी भी चीज़ पर समझौता नहीं किया, चाहे दीन हो या दुनिया। हमें ऐसी ही पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ना होगा। नफ़रतों के माहौल के बीच हमारे कौम के बच्चों का तालीमी मियार और सियासी शऊर बढ़ने लगा है। सियासी तौर पर हमारी कियादत कम है, इसका अफसोस जताते हुए आने वाले दिनों में तमाम बिरादरान वतन, तमाम सेकुलर सोच रखने वाले भाइयों के साथ अच्छे रिश्ते कायम करके कौम व मुल्क के रोशन मुस्तकबिल, देश के लोकतंत्र को बचाकर कुरान के बताए हुए रास्ते पर चल के अच्छे समाज और अच्छे नागरिक का फ़र्ज निभा सकते हैं, जहां सिर्फ मोहब्बत, भाईचारा और हर एक का सम्मान ही हमारी कामयाबी की होगी मिसाल, कहा दानिश्वरों ने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अमीन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन इला यौमिद्दीन। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی تین آیتیں میں نے الگ الگ پڑھی ہیں، حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مولانا وحیدالدین خان صاحب ہوں گے، دیگر ضلع اور علاقے کے ذمہ داران، مقامی ذمہ دار اور بیجاپور ضلع سے تشریف لائے میرے بہت ہی محترم بزرگوں، محترم بہنوں، نوجوان دوستوں، الحمدللہ پچھلے چھ دنوں سے آپ کی ریاست کرناٹک کے دورے پر ہوں، آج ساتواں دن ہے اور الحمدللہ منگلور سے شروعات ہوئی ہے اور بیدر پر اختتام ہوگا انشاءاللہ 21 تاریخ کو۔ جیسا بتایا گیا یہ دوسرا دورہ ہے، پہلا دورہ تقریباً 8 اضلاع پر مشتمل وہاں کے رفقا سے تبادلہ خیال کے لیے وہ دسمبر کے مہینے میں ہو چکا ہے، اور اس دورے کے ساتھ آپ کی پوری ریاست کے رفقا سے ان کے جتنا قریب جایا جا سکتا تھا، ظاہر ہے ہر مقام پر تو نہیں جا سکتے تھے لیکن کہیں ضلع پر، ضلع مقام پر لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو الحمدللہ یہ تجربہ میرے لیے بھی بہت مفید رہا اور بہت سی چیزیں آپ حضرات کے ذریعے سے جاننے کا موقع ملا، تجزیے کا موقع ملا،
बहुत से पॉजिटिव और अच्छे पहलू सामने आए, कहाँ कहाँ पर किस तरह से अच्छे काम मजबूत काम अंजाम पा रहे हैं, और ये भी अंदाजा हुआ कि कहाँ हम और बेहतर कर सकते हैं, कहाँ हम कामों को और अच्छे से मुनज़्ज़म कर सकते हैं। रुकते मोहतरम, अभी पिछले तकरीबन एक घंटे से हम लोगों ने खुलकर बातें की हैं, आप हजरात ने भी अपने सवालात, अपने एहसासात और आप जो कुछ देख रहे हैं ऑब्जर्वेशंस वो आपने पेश किए और आपकी फिक्रमंदी सामने आई कि आप फिक्रमंद हैं कि इस पहलू से काम कम हो रहा है, इस पहलू से कमज़ोरी है, इस पहलू से और ज़्यादा बेहतरी आने की ज़रूरत है। ये जो सवालात थे ये आपकी फिक्रमंदी की अलामत हैं और ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि हम फिक्रमंद हैं, और ये सवालात इसलिए थे कि हम हालात को बेहतर करना चाहते हैं, हम इस्लाह करना चाहते हैं, जो कमज़ोरियां हैं उनको इसलिए हम बात कर रहे हैं उस पर ताकि उनकी इस्लाह हो और हम बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे सकें। रुफ़का मोहतरम भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों, हम एक ऐसी तहरीक का हिस्सा हैं जो तहरीक एक बड़ी अजीम तहरीक है, और मैं समझता हूँ कि हम तहरीक का हिस्सा हैं लेकिन शायद हमें इस तहरीक की अजमत का भी उतना एहसास नहीं जैसा होना चाहिए, क्योंकि जब आदमी तहरीक में आ जाता है, काम करने लगता है तो वो एक रूटीन बन जाता है और हम ये महसूस नहीं कर पाते कि इस तहरीक से वाबस्ता होकर या वाबस्ता होने से अल्लाह ताला ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है, अल्लाह ताला का कितना बड़ा फजल हम पर है कि हम इस तहरीक का हिस्सा हैं, चाहे वो कार्टून की शक्ल में हो, रुकन की शक्ल में हो या किसी जिम्मेदार की शक्ल में। इस तहरीक से वाबस्तगी अपने आप में एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये जो तहरीक है ये कोई मामूली तहरीक नहीं, ये तहरीक वो तहरीक है जो हर जमाने में अंबियाए कराम की इमामत में और उनकी रहनुमाई में हर दौर में चलाई जाती रही, और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी आ जाने के बाद अब इस तहरीक को क़यामत तक आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा की है। ये जो काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए छोड़ा है ये क़यामत तक इस उम्मत को अंजाम देना है। अब ज़ाहिर है उम्मत भी बड़ी है, उम्मत में भी वो शऊर नहीं है, तो इस तहरीक का खुद मौजूद होना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। हमारी हैसियत हमारी सकत के मुताबिक ही हम पर आजमाइशें डालता है, अल्लाह को मालूम है हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, अल्लाह को मालूम है हम कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, तो उतनी वो देता है, लेकिन इसमें वो पहलू तलाश कर लेने चाहिए कि इन हालात में हम कैसे अल्लाह पर अपने तवक्कुल को और ज़्यादा मजबूत करें और मायूसी को अपने करीब ना आने दें और इस मिल्लत को भी मायूसी में मुब्तला ना होने दें, और सिर्फ मिल्लत को नहीं बल्कि इस मुल्क की जो अमन पसंद आवाम है, इस मुल्क की जो इंसाफ पसंद आवाम है और बड़ी तादाद उनकी है, उनको भी मायूस ना होने दें कि ये जो चंद लोग इस वक्त जिनके हाथ में हुकूमत आ रही है ये इस मुल्क को गलत रुख पर जरूर ले जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ताकतवर लोग नहीं हैं, इनको ज्यादा ताकतवर मानना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, ये इतने ताकतवर नहीं है, और हमारे सामने तो एक बड़ी इंसानी तारीख मौजूद है, कुरान का कोई भी सफा खोलिए, कहीं फिरौन और कहीं नमरूद और कहीं कौन नजर आएगा, जिनकी ताकत और कुव्वत कितनी बड़ी थी, जिन्होंने खुदाई का और अपने इलाह होने का ऐलान तक कर दिया था, ऐसे लोगों का भी अंजाम कुरान मजीद हमें बताता है।
तो जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफी की उम्र ज्यादा नहीं होती, लेकिन इन हालात में हमारा जो रवैया है वो कैसा हो इस पर हमें तवज्जो करनी चाहिए। तो पहली बात ये कि मायूसी हमारे करीब नहीं आनी चाहिए और इस मिल्लत को भी मायूस नहीं होने देना चाहिए। और मोमिन और मायूस ये दोनों चीजें तो एक जगह कैसे जमा हो सकते हैं? अगर हमारे अंदर ईमान है तो हम जानते हैं कि ये मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन इसके बाद अल्लाह ताला इससे बेहतर कुछ करने वाला है। इन्नमा अल-उस्र युसरन, इन्नमा अल-उस्र युसरन। हर मुसीबत के बाद, हर परेशानी के बाद आसानी, ये यकीन हमारा पुख्ता होना चाहिए। दूसरी बात मुझे जो इस मौके पर अर्ज करनी है वो ये है कि हमारी एक कमजोरी, इस मिल्लत की एक कमजोरी है, और वो कमजोरी इसी वजह से है कि हमारा कुरान से, दीन से जो ताल्लुक होना चाहिए वो कमजोर है, हमारा जो शऊर होना चाहिए वो कमजोर है, और उस शऊर को बेदार करना ये हमारा असल काम है तहरीक का। ये मिल्लत अभी भी अपने आप को एक कम्युनिटी समझती, हम एक गरोह हैं, और एक गरोह, एक कम्युनिटी जिसका मकसद बहुत महदूद हो, वो सिर्फ अपनी बचाव के लिए, अपने कुछ फायदे के लिए, अपनी ताकत को कुछ बढ़ाने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, बस इससे आगे उनकी सोच नहीं होती। तो आज तकरीबन ये सूरत हाल हमारी मिल्लत का एक बड़ा हिस्सा इसी माइंडसेट में गिरफ्तार है कि हम एक कम्युनिटी हैं, लिहाजा वो जितनी बातें सोचता है वो सिर्फ कम्युनिटी के दायरे में ही सोचता है। हम कैसे मजबूत हों, हम कैसे महफूज रहे, हम कैसे, ये बातें अहम हैं, मैं इसकी इनकार नहीं कर रहा हूँ कि वैसे कम्युनिटी इन तमाम चीज़ों की फिक्र करना और इसकी हिफाजत करना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारा मकाम इतना महदूद नहीं है। हमको अल्लाह ताला ने उम्मत बनाया है, तो इस कम्युनिटी माइंडसेट से लोगों को उम्मत के माइंडसेट पर लाने की कोशिश ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। लोग बताए कि हम कम्युनिटी नहीं है औरों की तरह, सिर्फ कम्युनिटी नहीं है, कम्युनिटी भी है लेकिन हम सिर्फ कम्युनिटी नहीं है, हम सिर्फ एक गरोह नहीं है, हम एक उम्मत है, हमारा एक मिशन है, हमको अल्लाह ने खास मकसद के लिए चुना है, हम चुने हुए लोग हैं, हम अल्लाह ताला ने हमको चुना है, अल्लाह ताला ने हमको ये जिम्मेदारी दी, और उसका तकाजा ये है कि हम छोटे दायरे से निकलकर बड़े दायरे में सोचें। यकीनन हम अपनी हिफाजत की बात भी सोचेंगे, अपनी तालीम की बात भी सोचेंगे, अपनी सियासी मजबूती की बात भी सोचेंगे, लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं सोचेंगे, यही नहीं रुक जाएंगे, बल्कि ये सोचेंगे कि ये मुल्क कैसे गलत राहों पर जाने से रुके, इस मुल्क का बाशिंदा और उसका जमीर कैसे आजाद हो कि उसके सामने सच्चाई, हक और इस्लाम का पैगाम आए तो वो उसको कबूल करे, इतनी जुरत और हिम्मत पैदा हो कि अगर सच उसके सामने आए तो सच को समझ ले और उसको कबूल करने की जुरत और हिम्मत पैदा हो। जमीन की आजादी ये एक बड़ा काम है, इस मुल्क के 140 करोड़ आवाम की जमीन की आजादी, कि उनका जमीन इतना आजाद हो कि उनके सामने जब सच बात आए तो वो मान लें कि ये सच है और फिर उसको कबूल करें, करने का हिम्मत और हौसला उनके अंदर पैदा हो। तो हम कुरान करीम ने तो हमको ये साफ बताया है कि तुम्हारा वजूद सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, उत्रिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानों के लिए निकाला गया है, इंसानों की भलाई के लिए तुम्हें पैदा किया गया है, तुम अपनी फिक्र में लगे हो सिर्फ, जब तुम सबकी फिक्र करोगे तो आपकी अपनी फिक्र तो उसमें शामिल हो ही जाएगी, जब तुम दूसरों की भलाई की बात सोचोगे तो तुम्हारा भला तो उसमें शामिल ही है, जब तुम दूसरों के साथ जुल्म और नाइंसाफी को रोकने के लिए आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे ऊपर होने वाले जुल्म और नाइंसाफी तो अपने आप उसमें शामिल हो जाएगी। तुम्हारा मर्तबा सिर्फ ये नहीं है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, तुम्हारा मर्तबा यह है कि तुम लोगों के लिए निकाले गए,
लोगों की भलाई के लिए, लोगों की खैरखाई के लिए, लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों को गुलाम बनाने के लिए, लोगों को आजाद कराने के लिए, लोगों को बुलंद करने के लिए, जो गिरे पड़े लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जिनको इंसानी इंसान की हम कह सकते हैं नाकाम हो गए, जो जाने वाले थे चले भी गए, लेकिन जो रहने वाले हैं वो भी कम नहीं रहे, उनकी भी बड़ी तादाद है। और वो समझ रहे थे कि वो डर कर रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह 75 सालों से इतने बड़े तूफानों से हम गुजरे, लेकिन ये डर की कैफियत नहीं है मुसलमान, कुछ लोगों में हो सकती है, लेकिन आम तौर पर हम पूरे मुल्क में घूमते हैं, डर की कैफियत नहीं है। और तीसरा ये कि दीन छोड़ देंगे, अपने दीन और अपने दीनी शनाख्त से कंप्रोमाइज कर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें और ज्यादा मजबूती आई। जितना उन्होंने हमारी दीनी शनाख्त पर निशाना साधा और अभी भी कर रहे हैं, अदालतों के फैसले कभी आते हैं जो हमारी शरीयत में मुदाखलत जैसे होते हैं, कभी कुछ और, कभी हिजाब, ये वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीनी शनाख्त पर और दीनी पहचान पर और इस पर मुसलमानों ने कंप्रोमाइज करने की बात सोच भी नहीं सकता मुसलमान। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले के मुकाबले में ज्यादा वो दीन की तरफ मायल है, दीन पर दीन से ज्यादा उसका लगाव है। एक जमाना था जब मस्जिदों में सिर्फ बुजुर्ग लोग नजर आते थे, आज मस्जिदों में नौजवान भी है। आज हमारा पढ़ा लिखा नौजवान, आईटी प्रोफेशनल, बड़े बड़े औहदों पर काम करने वाले, अंग्रेजी जानने वाले नौजवान जो है अपने जो बड़े बड़े जॉब्स में रहते हुए वो इस्लाम पर अमल भी कर रहे हैं, इस्लाम की दावत भी अपने साथियों को पहुंचा रहे हैं। ये तब्दीली आज मुसलमान माशी तौर पर भी खुशहाल हुआ है, ऐसा नहीं है कि माशी तौर पर बेहतरीन बराबर आ रही है, हर पहलू से, तालीमी एतबार से भी मुसलमानों ने तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं है। तालीमी एतबार से हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारे कॉलेज, हमारे इदारे, हमारे मदरसे वो बेहतर हुए, तादाद बढ़ी, तो हर पहलू से हमने तरक्की की है इन संगीन हालात के बावजूद। जरा गौर कीजिए, अगर हालात साजगार होते और हुकूमत भी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाती और हमारा जो जायज हक है वो हमको देती, तो आज ये उम्मत, ये मिल्लत कितनी आगे बढ़ चुकी होती, कितनी मजबूत हो गई होती। और अगर ये उम्मत और ये मिल्लत और ज्यादा मजबूत होती तो ये मुल्क कितना आगे चला गया होता। तो जिन लोगों ने भी मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश की वो उन्होंने इस मुल्क को कमजोर किया है, लेकिन मुसलमानों ने ये साबित किया अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत ने कि वो किसी भी कीमत पर अल्लाह के दीन और इस्लाम से उनका जो ताल्लुक है वो एक मुसलमान की हैसियत में इस मुल्क में अपनी इस्लामी पहचान के साथ न सिर्फ रहना चाहते हैं, न सिर्फ रहना चाहते हैं बल्कि इस मुल्क की तकदीर को भी बदलना चाहते हैं, इस मुल्क की आवाम को भी अल्लाह के दीन से वाकिफ कराना चाहते हैं। कभी बाहर के मुल्कों के जो लोग हैं उनसे मिलना जुलना होता है तो वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में वहाँ ये तस्वीर पाई जाती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान तो इस्लाम पर अमल कर ही नहीं सकता, कैसे कर रहा होगा, वहाँ तो नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही होगी, वहाँ किसी चीज़ की इजाज़त नहीं होगी, फला होगा, उनको ये अंदाजा शायद नहीं है, मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान अब अपनी इस्लामी तशख्स के बारे में और इस मुल्क में इस्लाम की बात को आम लोगों तक पहुंचाने के बारे में अब जितना फिक्रमंद हुआ है, और इन हालात में भी वही बंदगाने बाशिंदगाने मुल्क के सामने इस्लाम की बात पेश करने की बात भी कर रहा है और उसको लोगों को उस पर उभार भी रहा है। और आपको तो शायद ये बात मालूम भी होगी, इतने सख्त हालात के बावजूद और
मुसलमान पहचान भी लोगों के लिए एक मसला बन रही है। इसके बावजूद भी आज अल्लाह ताला जिनको तौफीक दे रहा है, बड़े पढ़े लिखे लोग, सोचने समझने वाले लोग आज भी इस्लाम के दायरे में आते हैं। इन हालात में भी जो जब यहाँ मुसलमान होना या मुसलमान जैसा नजर आना वो एक मसला है, ऐसे हालात में भी लोग इस्लाम को समझ रहे हैं और इस्लाम हिदायत भी हासिल कर रहे हैं और मामूली लोग नहीं है बल्कि पढ़े लिखे लोग हैं। अभी तादाद कम है क्योंकि इस मुल्क का जो माहौल है, इस मुल्क का जो सामाजिक ढांचा है वो ऐसा जकड़ा हुआ है, गुलामी की जंजीरें इतनी ज्यादा सख्त है इस माशरे में, इस समाज में, कि हक और सच्चाई अगर उन पर वाजे हो भी जाए तो भी उसका इजहार करना और कबूल करना सबके लिए इतना आसान नहीं। इस्लाम को हक मानने के बावजूद भी इस्लाम में आना और कबूल करना, उसका इजहार करना ये सबके बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ की जो सामाजिक ढांचा है वो इतना ज्यादा सख्त है। लेकिन इसके बावजूद लोग आ रहे हैं, इसके बावजूद लोगों को हिदायत मिल रही है, पढ़े लिखे लोग। तो ये जो पॉजिटिव पहलू हैं इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इन हालात में भी ये रोशन इम्कान हमारे सामने हैं। एक दो बातें और अर्ज कर दूं मैं। जमात इस्लामी हिंद का कंट्रीब्यूशन इन 70-75 सालों में, यहाँ रिपोर्ट पेश करना मौजूद नहीं है लेकिन ये बताना कि इस मुल्क में इस्लाम एक निजाम हयात है, ये पूरी जिंदगी बसर करने का एक तरीका है और अल्लाह का हुक्म जिंदगी के हर शोबे पे नाफिज होना चाहिए। ये बात अब आम हुई है कि नहीं हुई है, ये जुमला आप जमात इस्लामी हिंद के अलावा। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।